आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है एंटरटेनमेंट चैप्टर और मैं हूं रितु। एंटरटेनमेंट चैप्टर में हम आपके लेकर आते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से जुड़े वो तमाम गॉसिप्स जिसका आप सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार। आज भी हम उस खास सेलिब्रिटी के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने पहले बॉलीवुड को अलविदा किया और उसके बाद अब कर ली है शादी। जी हाँ, बात कर रही हैं सना खान की। कल तक जो सना खान कैमरे के आगे अपनी अदाएं दिखाती थी, हुस्न की बिजलियां गिराती थी, वही सना खान आज शादी के बंधन में बंध गई हैं। आपको बता दें कि सना खान ने बिग बॉस 6 में कंटेस्टेंट के तौर पर पहुंची थी और उसके बाद बॉलीवुड का एक लंबा सफर भी तय किया, काफी चर्चा में रहे। लेकिन अक्टूबर 2020 में उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अब हिजाब में ढककर लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान और उससे जुड़ी बातें बताती हुई नजर आ रही हैं। तो इस्लाम का ज्ञान दे रही हैं सना खान और इसी के साथ उनका एक वीडियो भी फिलहाल अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। नफ्स का तस्किया क्या है कि अपनी नफ्स को हर उस चीज से रोकना जिसे अल्लाह ने ना करने का हुक्म दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपके सामने से कोई गैर महरम निकल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसी वक्त अपनी नज़रें झुका लें। जब आप उस वक्त अपनी नज़रें झुका लेते हो, अल्लाह पाक आपके पुराने सारे गुनाह माफ कर देता है। इसी तरह से अपने कानों से वही चीज़ सुनो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है और उन चीज़ों से बचो जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। अपने हाथों को भी उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाज़त दी है और उसी उस चीज़ों में ना इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। यही होता है जब आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तब आप जब अपनी नमाज भी पढ़ते हो, आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान नमाज से निकल जाता है या मैं कुछ और ख्यालात में खो जाती हूँ या खो जाता हूँ। हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी बहुत हुआ, हम सबके साथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नमाज में अफेक्ट करती है और हमारी नमाज को उस तरीके से होने नहीं देती। तो इसीलिए हमें अपनी नफ्स का तस्कीरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉलीवुड छोड़ने के बाद सना अचानक महजबी हो गई और सोशल मीडिया पर लोगों को इस तरीके से ज्ञान देती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इस्लाम का ज्ञान देना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है और इन सभी के बीच सना खान ने शादी कर लोगों को चौंका दिया है। आपको बता दें कि सना खान ने मुफ्ती अनस से शादी की है। आखिर कौन है मुफ्ती अनस जिनके साथ सना खान ने शादी की है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मुफ्ती अनस गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं और एक धार्मिक नेता या इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनका पूरा नाम है मुफ्ती अनस सईद। जानकारी के मुताबिक मुफ्ती अनस एक बिजनेसमैन भी हैं और सना खान को मुफ्ती अनस से बिग बॉस 7 फेम एजाज खान ने मिलवाया था। इस्लाम का ज्ञान देना सना खान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने जय हो, टॉयलेट एक प्रेम कथा और धन धनाधन जैसी कई फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा कई रियलिटी शोज भी हैं जिसमें सना खान पहुंच चुके हैं एक सेलिब्रिटी के तौर पर। और इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे पहले उन्होंने कोरियोग्राफर मेलविन लुइस को भी डेट किया था और एक साल बाद दोनों का हालांकि ब्रेकअप हो गया था। सना खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रेकअप के बाद वे डिप्रेशन और एंजाइटी का भी शिकार हुई थी। मेलविन लुइस पर कई बार वायलेंस और चीटिंग करने के भी तमाम आरोप सना खान की ओर से लगाए गए थे। तो सना खान के बॉलीवुड छोड़ने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठे कि आखिर सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा क्यों कहा और अब अचानक शादी कर ली, और लोगों के मन में कई तरह के सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल इसका जवाब भी सना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपने सभी चाहने वालों को दिया है। सना ने मुफ्ती अनस के साथ निकाह कर उनके साथ की एक तस्वीर भी फिलहाल इंस्टाग्राम पर शेयर की है और वजह बताई है कि उन्होंने उनसे आखिरकार शादी क्यों की है। सना ने लिखा है, एक दूसरे को प्यार किया अल्लाह के वास्ते, एक दूसरे से शादी की अल्लाह के वास्ते, अल्लाह हमें इस दुनिया में एक साथ रखे और जन्नत में भी एक साथ रखे। तो बॉलीवुड के साथ साथ ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कहने वाली बिग बॉस 6 फेम सना खान अब अपने निकाह को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। सना खान ने शादी के बाद अपने पति के साथ की फोटो इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपना नाम भी बदल लिया है।
सना ने निकाह के बाद अपना नाम सना खान से सईद सना खान कर लिया है और सना की शादी के बाद उनके ब्राइडल लुक की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर देखी जा सकती हैं। तो सना की शादी के बाद उनके ब्राइडल लुक की तस्वीरें इंटरनेट पर भी वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों में सना खान काफी खूबसूरत भी लग रही हैं। फोटो में लाल लहंगा ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ वो दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने 20 नवंबर को शादी की थी और उसके बाद से उनके कई फोटो और वीडियो भी आ चुके हैं। साथ ही ये भी बता दें कि वीडियो में दोनों केक काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ खबरों में ये भी कहा गया है कि सना खान को मुफ्ती अनस खान से बिग बॉस फेम एजाज खान ने मिलवाया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर एक लंबा सा पोस्ट लिखकर फिल्म इंडस्ट्री को सना खान ने अलविदा कह दिया था। तो आज के एंटरटेनमेंट चैप्टर में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है एंटरटेनमेंट चैप्टर। टिल देन गुड बाय।